यहाँ पे लगी है सेल, GNT सेल। और भाई साहिल ठीक है? और भाई ठीक है अक्षित? क्या चलते रहे पढ़ाई? हाँ, क्या कर रहा है? मैं कर रहा हूँ मैकेनिकल मोटर। और सब ठीक है? आज दुकान तेरे हवाले है? ठीक है, ठीक ठीक चली तेरी ब्लॉगिंग? ठीक चल रही। फंक्शन ऐसा भी नहीं, हमारे पास भी नहीं है वैसे टाइम। जो प्रॉपर ब्लॉगर होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, वैसा वाला टाइम कहाँ है? स्कूल का थोड़ा कार्यक्रम हुए, दिखाए घूमने जा रहे हैं, है ना? बहुत लोग देखते हैं, वो भी हमारे जो पुराने स्टूडेंट रहे होंगे ना। हाँ हाँ, तो देखते रहते हैं कि आप लोग क्या हो रहा है, बोलते रहते कि अच्छा अच्छा हो रहा है स्कूल में। ठीक है फिर है। ये हमारे विद्यार्थी अभी तक घर नहीं गए भाई, तुम दुकान से क्या कर रहे हो? दुकान क्या ले रहा सामान? जूते। जूते अरे सब्जी ले। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ये लाल जूते क्यों नहीं दे रहे बच्चों को? जूते अभी दे दिए गुरुजन को, ले लिया उन्होंने। अच्छा, नमस्ते बेटा। हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और इस समय हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और मेरे साथ है नोटियाल जी। वैसे तो भगवान में जो भी साथ चलता है वो नोटियाल ही होता है। जितने भी व्यूअर बोलते होंगे वो यही बोलते होंगे कि ये हमेशा बोलते हैं मेरे साथ नोटियाल जी। या तो इनको नोटियाल जी याद होता है। एक्चुअल में सभी लोग नोटियाल हैं यहाँ पे, इसलिए नोटियाल जी ही साथ चलते हैं हमेशा। और हम जा रहे हैं इस समय घूमने के लिए, इवनिंग वॉक। छुट्टी हो गई स्कूल से, तो हमने कहा शाम को एक घंटा थोड़ा सा घूमा जाए। तो मैं और नोटियाल जी घूम रहे हैं जौनपुर की इन सुंदर वादियों में। बहुत ठंडी हवा चल रही है इस समय, बहुत तेज हवा चल रही है। हाथ पूरे ठंडे हो गए हैं और गाल भी पूरे ठंडे हो गए हैं। नोटियाल जी नोटी से होके आए हैं, लेकिन इनको वहाँ इतनी ठंड नहीं लगी। हवा थी सर नोटी में? वहाँ नहीं थी, वहाँ नहीं थी हवा, लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है। ये कह रहे हैं मुझे ठंड नहीं लगती है, लेकिन इन्होंने यहाँ भी मान लिया है। जबकि बहुत हाइट पे था वो, करीब जो है 3000 ऊंचाई फीट पे था वो। हाँ। इतनी ऊंचाई उसकी, लेकिन वहाँ पर इतनी ठंड नहीं, क्योंकि खुला ही इलाका था। यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है ना, यहाँ पे हवा चलती है, हवा चलती है। और धूप भी घाटी में है ना, घाटी में बिल्कुल, घाटी में हवा चलती है। वहाँ ऐसा था कि बिल्कुल सुबह अगर धूप लग गई तो जैसे शाम को धूप गई उसके बाद तुरंत रात पड़ गई। तो रामायण का प्रसंग है सर पंचवटी का, जब राम जो है 14 वर्ष का वनवास पंचवटी में बिता रहे होते। तो एक दिन राम और सीता दोनों एक साथ बैठे हुए, तो राम जी ने सीता से कहा कि हे प्रिय, अब वो समय आ गया है कि जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं, जन उद्धार के लिए, जनता का उद्धार करने के लिए, इस धरती का कल्याण करने के लिए, अब हमें वो लीला करनी पड़ेगी। तो भगवान को तो सब पहले से पता था, उन्होंने वहां भी स्वर्ग में भी जो है वचन दिया था। जैसे गंगा मैया को स्वर्ग से लाया गया, तो गंगा जो है यहाँ धरती पे आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। विष्णु स्वरूप में रहे तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जब धरती पे जाओगे तो वैसे तो तुमको कोई मैला करेगा नहीं, है ना? जो मैला करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। और आप कह रहे हैं कि महाराज आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे मृत्यु लोक में, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि त्रेता युग में जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा तो तुम्हें अवश्य मिलूंगा। तो उस उन गंगा का उद्धार करने के लिए भी, इस संसार का और मृत्यु लोक का उद्धार करने के लिए, तब राम और सीता लक्ष्मण इन सबको जो है वो लीला रचनी पड़ी। तो वहीं अगर प्रसंग जो है लंका का है, अशोक वाटिका का है, कि रावण सीता को मारने के लिए अपना चंद्रहास लेकर के आया, तो वहीं हनुमान जी को गुस्सा आया। अगर हनुमान चाहते तो रावण को एक ही फूंक में जो सूर्य को निगल सकते हैं वो रावण को नहीं मार सकते। लेकिन ये सब जो है परमात्मा करवाता है हर चीज के पीछे। वास्तव में आपने जो बात कही कि परमात्मा का हाथ होता है, परमात्मा उसके पीछे होते हैं, परमात्मा का ही कार्य है और वो कार्य उन्होंने किया है। कहने का मतलब ये है कि हम जो सोचते हैं ये कार्य हम कर रहे हैं, दरअसल वो ईश्वर से पहले से ही लिखित है, बिल्कुल, इसलिए हम कर रहे हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय नोटियाल जी का फोन आ गया। तो बहुत सुंदर प्रसंग पे
चर्चा चल रही थी हमारी, और चर्चा का टॉपिक ये था कि जो हम करते हैं कोई भी काम, या हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ना होता तो ये काम होता नहीं होता, मतलब अगर मैं नहीं होता तो ये काम भी नहीं होता, तो ये हमारी गलत धारणा है। ऐसा नहीं है, वो काम ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं, हम रहें चाहे न रहें वो काम होंगे, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, एक माध्यम है उस काम को करने की। तो कभी कभी व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि अगर मैं नहीं होगा तो ये काम शायद ही किसी दूसरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो हमारा ही घमंड मात्र है। जबकि होता यह है कि सारे कार्य ईश्वर द्वारा निर्धारित है। तो हम अभी घूम रहे हैं थोड़ा सा, कि घूमते घूमते शरीर में गर्मी आ गई है। क्या कर रहे हो भाई लोगों? क्या करना, गुर्जी लगे हुए हो गया, प्लास्टर प्लास्टर चल रहा है। ये क्या बोल रहे हैं तार से? ये दीपावली है ना, पहाड़ी दीपावली। कब? मंगसिर की दिवाली है, यहाँ की दीपावली है, मंगसिर में आती है। ठीक है, अब उसके लिए भैलो बनेगा, उसके लिए भैलो बनेगा। ठीक ठीक ठीक, वो जो वो होता अभी इनसे पूछता हूँ। ये बताओ मंगसिर की दीपावली कब आएगी? ये आ तो गई अभी, आज ही तो है, आज है, आज बड़ी है ना, आज छोटी है, कल बड़ी होगी। अच्छा, जैसे दिवाली होती है। इसमें प्रोग्राम क्या क्या होता? क्या क्या करोगे आप इसमें? इसमें कुछ नहीं, घर में बनाते हैं पूरी वगैरह बनाते हैं घर में खाने के लिए, गांव का आस पास के लोग जितने भी लड़के लोग इधर उधर आस पास खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा, दिवाली सड़क में आ गया पटाखे। तो आजकल मतलब इस समय इतना लेट में यहाँ दीपावली में, इसका कारण क्या? लेट कुछ नहीं है, बस एक तारीख होती है और एक गति होती है। गढ़वाली में हम गते की गति के हिसाब से चलते हैं, हिंदी कैलेंडर हम तारीख के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, वही है बस। क्षेत्र में जो है, जौनपुर में जो है, हर जगह होती, कहीं नहीं मनाते, उसी में मनाते। वो दिवाली हो गई या भगवाली हो गई गाँव की। अच्छा, तो आज भैला खेल हो गया? आज भैला खेल, ठीक है ठीक है, फंसा फंसा। जैसे दिवाली है बस, सेम है बस। तो कहाँ तक चलना नोटियाल जी? सर आज हम चलते हैं, यहाँ आगे पुल बन रहा है अलमस में, देखते हैं कि उसका कार्य कितना प्रगति पर है। तो नोटियाल जी का प्रमोशन होने वाला है हिंदी में, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक दो महीने में ये प्रवक्ता हिंदी बन जाएंगे, लेक्चरर हिंदी। आप लोगों की दुआ और जे ऐसी भगवान माँ भवानी की कृपा से अगर हो जाए तो हो जाएगा भाई जी। तो भवान में नोटियाल जी एक दो महीने तक ही रहेंगे, उसके बाद ये प्रमोशन हो जाएगा इनका, किसी नए स्कूल में जाएंगे। तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहाँ पे काम चल रहा है। तो यहाँ से लगभग कितना होगा नोटियाल जी? करीब 200 मीटर। 200 मीटर, हाँ। यहाँ से 200 मीटर वो सामने जहाँ पे वो घाटी है, वहाँ पे वो पुल बन रहा है, वहाँ पे जाना है हमने। ये पुल के ऊपर से आने लगे लोग? हाँ। अरे आप वहीं से आए? वहीं से आए। ठीक, कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ बिलंदपुर। यहाँ कहाँ है? यहाँ दीदी के। अच्छा ठीक है, तो हम पहुँचने वाले हैं, 50 मीटर और रह गए इस जगह, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि काम कितना हुआ है, कितना यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है काम की। फिलहाल आप देख रहे हैं ये पूरे रोड अभी कच्चा है, कंक्रीट पड़ा हुआ है, तो इसको भी अभी पक्का होना काफ़ी टाइम लग ही जाएगा, इसको भी पक्का होने। देख रहे हैं आप, और यहाँ पे ये पुस्ता यानी सेफ्टी वॉल बननी शुरू हो गई है, यानी काम काफ़ी प्रोग्रेस पे है। देख रहे हैं आप, ये नीचे पूरी खाई है, तो यहाँ से पूरी इस तरीके से जैसे यहाँ पे है ऐसे यहाँ पे सेफ्टी वॉल रखी जाएंगी। तो फाइनली पहुँच गए हम यहाँ पे, और ये पुल लगभग तैयार हो चुका है, देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है पुल, और ये देख रहे हैं तो फाइनली ये पुल हो गया है लगभग तैयार। अब इसमें थोड़ा काम है फिनिशिंग का, वो होना बाकी है इसका। यहाँ पे कर रहे हैं लोग, मशीन भी रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ भी मशीन भी रखी है, और मेरे पीछे ठीक पीछे वहाँ पे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो मजदूर भी यहाँ पे हैं, यहाँ पे कुछ लेबर भी हैं। हाँ जी, आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? जी सर। कब तक हो जाएगा ये काम, क्या लग रहा है आपको? कब तक हो जाएगा? एक महीने तक। एक महीने में हो जाएगा? गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी एक महीने में? ठीक है, तो इनको ठंड हो रही है,
तो ये लोग से गए हैं। कहाँ की हो आप? देहरादून। देहरादून क्यों? देहरादून की दुनिया मतलब गांव कहाँ है? बिहार के? बिहार बोलो ना। देहरादून दरभंगा जिला। दरभंगा जिला। कहाँ के? दरभंगा जिला। दरभंगा जिला बिहार। और आप? अभी सब है, सब दरभंगा के। तो कैसे लगते हैं उत्तराखंड में? ठीक लगता है। अच्छा लगता है ना। और बढ़िया मौसम है यहाँ। मौसम बढ़िया है। ऐसी ठंड तो बिहार में होगी? ना, बिहार में ठंड नहीं है। तुम लोगों को तो बहुत ठंड लगती होगी यार फिर। ठंड तो लगता, तो करना तो पड़ेगा ही। काम तो करना, बच्चे पालने हैं। काम तो करना। ठीक है। तो अभी हम हैं यहाँ पे, तो पहली बार लगभग एक साल बाद, पूरे एक साल बाद हमने वहाँ से और यहाँ आने में हमें इतना कितना मीटर लंबा होगा ये? 14 मीटर लंबा है ये पुल, और वहाँ से यहाँ आने में हमें पूरा एक साल लग गया। तो पिछली बार हम यहाँ आए थे, उसके बाद ये पुल टूट गया था। जब घूमने आते थे तो वहीं तक आते थे और फिर वहीं से वापस हो जाते थे। तो लेकिन एक साल बाद हम इस पुल को क्रॉस करके इस साइड आए हैं। तो काम प्रगति पे है, ये भाई लोग कह रहे हैं लगभग एक महीना और लगेगा इस पुल को बनने में, उसके बाद इसमें ट्रैफिक चालू हो जाएगा। ये उत्तरकाशी और देहरादून रोड पे जो लोग चलते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये पुल बनने वाला है। तो हमारे नोटियाल जी भी इनसे कुछ जानकारी ले रहे हैं। डेढ़ महीना तक जी। तो डेढ़ महीने में ये पूरा जो है सेंटरिंग शूटिंग से उतर जाएगी। उतर जाएगा। फिर ये ब्रेस वर्क जो है? नहीं सर जी, सेंटरिंग तभी रहेगी। अच्छा, तभी रहेगी। अभी रहेगा। अच्छा, ठंडा है ना? तो गाड़ी चलेगा एक महीने के बाद, लेकिन सेंटरिंग अभी रहेगी। ठंडा है ना यहाँ? अभी धूप नहीं लगा ढंग से, धूप क्योंकि नीचे खाली है ना पूरा, तो सेंटरिंग नीचे से। अच्छा, इसमें सेटरिंग नहीं निकलेगी, गाड़ी चालू हो जाएगी? हाँ, गाड़ी चालू हो जाएगी, सेटरिंग रहेगी। अभी हल्की गाड़ियाँ, हल्की भारी सब चलेगा। कम से कम दो महीने बाद बड़ी गाड़ी चलेगी ना, तो बाकी छोटा गाड़ी चल। अच्छा, कार में रखती जीप सब चल सकता है। अच्छा, ये है लोडिंग वाली ट्रक वर्क, मतलब वो नहीं चल पाएंगे। एक बात बताओ, यहाँ डेरा कहाँ तुम्हारा? ये डेरा है अलवस नगर, इसलिए प्लांट में। प्लांट में। तो इधर पहली बार आए हो कि पहले भी आते हो इधर? नहीं, पहली बार आए। पुल बना, तुमने भी क्या सोचा था यहाँ आना? हमने इससे पहले हमारा सर वहाँ चाइना बॉर्डर, चाइना में बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर भी देख दिया तुमने? अरे भाई यार, तुम तो वहाँ भी पुल बना से सर, वहाँ भी पुल बना रहे हैं। साल से बहुत इंतजार था कि कभी हम। ये नोटियाल जी हैं, ये ट्रांसफर होके जब आए थे तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ? पहली बार आ रहे हैं। इस साइड को क्रॉस करके, उस पुल को क्रॉस इन्होंने पहली बार किया इधर। तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो और अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। अब तो शायद हम 15-20 दिन बाद इस रोड से आना जाना हमारा होगा। हम आए इस पुल तक घूमने के लिए, और थोड़ी देर पुल पे रुकने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने कमरे की ओर वापस। तो घूमने के बाद मैं कमरे पे आ चुका हूँ। तो कमरे पे पहुंचने के बाद मैंने खाना बनाया और अब मेरा खाना रेडी हो चुका है। बनाया मैंने खाने में मटर, गाजर और गोभी की सब्जी, और साथ में रोटी बनाई हुई है मैंने। तो अब स्टार्ट करता हूँ खाना। तो और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।